नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और एलनाबाद उपचुनाव में अब मुकाबला बेहद रोचक मोड में प्रवेश कर चुका है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, INLD की तरफ से अभय सिंह चौटाला और BJP और JJP की तरफ से सांझे उम्मीदवार के तौर पर गोविंद कांडा को मैदान में उतारा गया है। मगर एक तरफ किसान आंदोलन और लगातार विरोध के जो सुर है वो मुखर हो रहे हैं, वहीं पर अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद उनके प्रति जो लोगों की संवेदनाएं हैं, और एक तरफ भरत सिंह बेनीवाल जो कि कांग्रेस से नाराज हो गए हैं, और उनके भतीजे पवन बेनीवाल जो हाल ही में BJP को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मगर इस सब के बीच में भी अब लोगों को एक और नया रास्ता मिला है, जिसमें एलनाबाद से निर्दलीय विधायक के तौर पर संतलाल छपोला ने आज ताल ठोक दी है। दरअसल हम उनके बारे में सबसे पहले आपको बता दें, इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव 2019 का जब डब्बाले में हुआ था, तब भी उन्होंने वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। अब वो अपनी खुद की पृष्ठभूमि एलनाबाद के इस उपचुनाव में किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। छपोला साहब, सबसे पहले तो तेज हरियाणा पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत है और आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, आप सबसे पहले हमारे पास पहुंचे हो। शुक्रिया सर। छपोला साहब, ऐसी स्थिति में जब पूरे हरियाणा नहीं देश की नज़रें इस किसान आंदोलन के बीच में हरियाणा के आखिरी कोने आपके एलनाबाद के उपचुनाव पर रहे, और आपने एक ऐसे वक्त में मुझे लगता है बाजी मारी है जब लोग सिलेक्शन के चक्कर में हैं कि क्या चूज करें, वो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आज आपने नामांकन पत्र दाखिल किया है, क्या लगता है, कैसा महसूस आपको हो रहा है, पहली प्रतिक्रिया सर? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है और हमने ना इसमें कोई बाजी मारी है, ये मेरा फैसला नहीं है, ये यहाँ की जनता का फैसला है। सभी लोग पार्टियों से परेशान होके और उन्होंने फैसला लिया है, और उनके फैसले लेने पर भी मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है और लोगों का बड़ा बढ़िया समर्थन मिल रहा है, तो ये मेरा फैसला नहीं है, ठीक है, पब्लिक का फैसला है। ठीक है सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जब एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और ऐसे में BJP का विरोध लोग कर रहे हैं, और कांग्रेस में अब फूट फिर से जगजाहिर हो गई है कि एक तरफ चाचा भतीजा के बीच में अब थोड़ी नाराजगी हो गई है, उन्होंने भरत सिंह बेनीवाल ने कहा है कि अच्छा नहीं किया कांग्रेस ने मेरे साथ और ये पार्टी ने धोखा किया है, ऐसे में आपका चुनाव लड़ना, आपको क्या लगता है ऐसे माहौल में अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? सर मैं तो कहाँ देखता हूँ, ये फैसला होता है पब्लिक के हाथ में और पब्लिक ही देख रही है। आपने जिस तरह तीनों पार्टियों का जिक्र किया है, जिस तरह किसान आंदोलन के मसीहा जिसको बोलते हैं अभय सिंह जी को, उनके लिए किसानों ने ही बोला है भी अगर इन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया तो फिर आज ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला भी या तो ये किसानों को बोलते, लोग इस बात से नाराज हैं, BJP से और JJP से बहुत नाराज है, और कांग्रेस को लोग पहले ही आजमा चुके हैं, इसलिए लोग इन पार्टियों से परेशान होकर ही मुझे स्वीकार किया है भी आप इन पार्टियों को छोड़ो, आप निर्दलीय हमारे साथ आओ, हम आपका समर्थन करते हैं, और लोगों ने मुझे समर्थन किया है, और एक बड़ी खुशी है आज जो मेरे को लोग जिस तरह समर्थन कर रहे हैं ना, उससे बड़ा दिल खुश है, क्योंकि आजकल तरीका बदल गया है, इसके अंदर लोग व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल रहे हैं, ना तो अभी तक मेरे को कोई चुनाव चिन्ह मिला है और ना ही मैं लोगों के पास गया हूँ, लेकिन लोग व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल रहे हैं, और कल आज सुबह हम गिनती कर रहे थे बैठ के, तो लगभग 6,000-6,500 लोगों के वोटों के मैसेज मेरे पास आ गए भी हम आपके साथ हैं। यहाँ शंकर मंदोरी एक गाँव है जहाँ मैं अभी तक गया नहीं हूँ, ना मेरी कोई वहाँ पर रिश्तेदारी है, लेकिन वहाँ मैं एक पंचायत में गया था, वहाँ 2-3 बार मुझे जाने का मौका मिला पंचायत के दौरान, तो लोगों से मेरी थोड़ी जान पहचान होगी, तो उस जान पहचान की वजह से वहाँ से मेरे पास काफ़ी मैसेज आ गए, इसलिए मुझे लग रहा है अभी लोग बहुत चाहते हैं और लोग बहुत नज़दीक मेरे को ले रहे हैं। ठीक है सर, मगर सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, सबसे यही बड़ा सवाल है ना कि आखिर ऐसी स्थिति में जहां पर परिस्थितियां ठीक अनुकूल नहीं है, दिन ब दिन बदल रही है, क्या बड़े एजेंडे आपकी तरफ से तय किए गए हैं, क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपके हैं
जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में वोट मांगेंगे सर? मुद्दे तो यहाँ सर सारे मुद्दे हैं। सरकारी स्कूल है, उनके अंदर भी वो अच्छी सुविधा नहीं है, ना ही उसके अंदर टीचर है, ना उनके अंदर सुविधा है। और सरकारी अस्पताल है जो ये गड्ढ बोल रहा है चौटाला का, और यहाँ लगातार उनके विधायक भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ किसी मरीज के आती है तो उनको सिरसा रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड और कोई भी सुविधा नहीं है, इसलिए लोगों को यहाँ से सिरसा रेफर कर दिया जाता है। हर आदमी बोलता है भी एलनाबाद इनका गड्ढ है, लेकिन ठीक है मान लिया गड्ढ है, तो गड्ढ की वजह से लोगों को मिला क्या है? आज तक जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे लोग धरना दे रहे, आज भी लोग धरने पे बैठे हैं, इस वक्त भी बैठे हैं। बेराड़ा माइनर है, किशनपरा, शेरावाल डाणी माइनर है, सब जगह पे लोग धरने पे बैठे हैं। लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, उसके बावजूद भी उनको नहीं मिलता है, और जहाँ पानी है वहाँ उसके लिए धरने पे बैठे हैं। उधर सेम है, वहाँ धरना लोग लगा रखे हैं, वहाँ सेम का पानी नहीं निकल रहा, लोग सारे परेशानी परेशानी में जूझ रहे हैं, और इतनी बेरोजगारी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन पार्टियों को अगर बेरोजगारी दूर करनी है, इनको राजनीति ना करके अगर लोगों की समस्या सही करनी है तो ये कर सकते हैं। एक सर मैं आपको बताऊं, सभी को मान लिया सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन एक छोटा सा उद्योग यहाँ अगर लेके आ जाए, कोई पार्टी लेके आ जाए, कोई विधायक लेके आ जाए, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ भी सभी को रोज़गार मिल जाएगा, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको रोज़गार मिल जाएगा। कोई चीज़ अब आज आप यहाँ घूमे हो, एलनाबाद में आप आए हो, आपने सड़कें देखी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आपने देखी है, हर जगह गड्ढे हैं, लाइट की जगह लाइट नहीं है, कहीं अगर खम्भे है तो लाइट नहीं लगी है, लाइट है तो टूटी हुई है। क्या विधायकों का यही काम है? आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या फिर से ये इस्तीफा देंगे? यही काम रहेगा लोगों की सुनाई करना, तो काम होता है विधायक का लोगों की सुनाई करना, वो आज तक किसी विधायक ने नहीं किया है। ठीक है, एक सबसे बड़ा एजेंडा है सर इस वक्त में किसान आंदोलन, क्या माना जाए, आप किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं, आप किसानों के लिए क्या काम करेंगे? आपको भी कभी मौका मिला, आप किसानों के बीच में गए हैं, या फिर आप खुद एग्रीकल्चर से डिपेंड करते हैं बिलों का, आपके भी खेती बाड़ी करते होंगे, क्या लगता है सबसे बड़ा आधार तो यहाँ का किसान आंदोलन ही सबसे मुख्य तौर पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, किसानों के साथ बहुत गलत हुआ है, मैं खुद किसान हूँ, खेतीबाड़ी कर रहा हूँ, और किसानों के आंदोलन में भी मेरे को जब जब मौका मिला और जो भी मेरे से सेवा बन पड़ी वो मैं वहाँ पे गया हूँ, की है, और किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। अगर अभय सिंह जी को चाहिए था किसानों में बैठ के उनकी आवाज़ बन के जाके विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाना, तब किसानों को ज़्यादा फायदा था। और सबसे बड़ी समस्या आज किसानों की है, अगर भाव नहीं मिलते तो किसान मर गया, अगर बरसात होगी तो किसान मर गया, बीज गलत आ गया तो किसान मर गया, स्प्रे गलत मिल गई तो किसान मर गया, हर जगह किसान मर रहा है। और आज इतने किसान हैं, वो तो पैसे से मर रहे थे, आज सामने मर रहे हैं, 700-800 किसान आज मर गए, और आज की जो सरकार है वो उनके लिए कुछ नहीं बोल रही है। बड़े दुख की बात है भी, जो आज किसानों का दर्द है वो इतना ज़्यादा है जिसकी हम कभी कल्पना ही नहीं की थी। ठीक है, छपोला साहब, आपको क्या लगता है जब आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या ये शहर की आपने समस्याएं बताई हैं, अपने गांव की समस्याएं भी बताई हैं, मगर सवाल है अगर आपको यहां की आवाम मौका देती है, आप विधायक बन जाते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आप प्रायोरिटी के आधार पर करेंगे? सबसे पहले अपने जो सरकारी स्कूल है शिक्षा के लिए उनको ठीक करना, दूसरे नंबर पे अपना जो अस्पताल है उनको ठीक करना। हर इंसान के एक ही समस्या रहती है, जब बुरा वक्त किसी के आता है ना तो उसको भी वो कहाँ जाए, पैसे कहाँ से लेके आए, किस अस्पताल में एडमिट कराए, बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, उनको अच्छी शिक्षा कहाँ मिले, उसकी फीस कहाँ से दे, ये सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ जब आदमी की सही होती है ना तो आदमी अपना पेट भर सकता है। सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान देके और बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करो। हर आदमी को खेल है, किसी ने उनको यहाँ पे आज तक खेल स्टेडियम नहीं बनाया। असली मायने में कोई बढ़िया चीज़ यहाँ मेरे हिसाब से एलनाबाद में नहीं मिली है, बढ़िया खेल स्टेडियम हो, बच्चों को खेलने के लिए जगह हो,
हर चीज़ की बच्चों की सुविधा देंगे तो उन नशे से दूर रहेंगे। आज नशा इतना बढ़ रहा है, लोगों को बुरा हाल है। अगर हम उनके सारी सुविधा दें, बच्चों का ध्यान उनसे डाइवर्ट हो। आज बच्चे हैं, पहले क्या होता था स्कूल में मोबाइल की पाबंदी होती थी, घर में भी हम बच्चों पे पाबंदी रखते थे और हमें सबको पता है बच्चे के पास मोबाइल होगा तो उस पर बच्चे का क्या नुकसान होगा। आज ऐसा सिस्टम बना दिया कि इनको ऑनलाइन क्लासें लगा दी। आज घर को ले बच्चे के माता पिता को उनको मोबाइल देना पड़ा है और स्कूल में उनकी कोई वो नहीं है। क्या हम सोच सकते हैं जो हम जिस बात का हमें डर था भी बच्चे गलत संगत में ना पड़े, क्या उससे वो बच जाएंगे? आज सरकार ने ये रास्ता निकाला है, इनको मोबाइल दे दो, ऑनलाइन क्लासें लगा दे, इसकी जगह इनका रास्ता और निकालना था, कोई भी निकाले और रास्ता निकालना था ताकि हमारे बच्चे इस चीज़ से दूर रहते, उनका पढ़ाई में मन लगता और ये बेरोज़गारी हम दूर करें। अच्छा कोई उद्योग लेके आए, कोई इंडस्ट्रीज लेके आए, इस पे अगर करने वाला, काम करने वाला कोई इंसान हो, विधायक हो, बढ़िया सोच का, तो वो कर सकता है। और अगर मेरे को, आपने कहा भी अगर आपको मौका मिलता है, अगर मेरे को मौका मिलता है, दो साल ढाई साल और बचे हैं, दो ढाई साल में ही मैं आपको बताऊं, मैं लोगों को ये बता दूं विधायक का ये काम होता है, लोगों के सारे काम करेंगे एक्स वाई जेड हर सुख दुख में। और अगर दो साल में हमसे काम नहीं हुआ तो ढाई साल ही बचे हैं, लोग तो पाँच साल के लिए लड़ रहे हैं, हम तो ढाई साल ही बोल रहे हैं। एक बार ढाई साल आजमा के देखो, अगर आपको लगता है, मेरे हिसाब से तो मेरे को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लोग खुद आके मेरे को बोलेंगे ये आपके सारे वोट, क्योंकि विधायक का जो काम होता है वो लोगों की समस्या सुनना होता है और उनको हल करना होता है, वो सारा काम हम करेंगे। पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं हम, पब्लिक के बीच में रहेंगे और लोगों ने मुझ पर विश्वास भी जताया है पार्टियों से तंग आके, और मुझे लगता है लोग मेरा पूरा भरपूर साथ देंगे। ठीक है सर, इस वक्त में जब किसान आंदोलन चल रहा है और बीजेपी के लिए भी मुश्किलात हैं, कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभय सिंह ने इस्तीफा सिर्फ किसानों के लिए दिया, उन्होंने शुरुआत तो की थी, मगर एक निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर तो आसान रास्ता है कि आप किसी भी गांव में जा सकते हैं। आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है लोगों के बीच में जाने का, आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे, जब एक तरफ विरोध का शोर शराबा है दूसरी तरफ आप बड़े पीसफुल तरीके से जाएंगे, आपको लगता है आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मौका मिला है, बहुत ही अच्छा मौका मिला है। लोग बात सुनने के लिए तैयार हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं भी सबके पास हम जा पाएँ और सब लोगों से अपनी बात कह सकें। और लोग क्यों नहीं मुझे इस जगह पे लेके आए हैं, मेरा नॉमिनेशन करवाया है और लोग के पास जाने का बहुत अच्छा मौका और बात बोलने का भी बहुत अच्छा मौका है, लोग सुनने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी जो यहाँ पर आपने बात की कि यहाँ पर इस एरिया के साथ अनदेखी की गई है, चाहे आपने कहा कि नेलो का गढ़ रहा, इतनी बार उनके विधायक यहाँ से जीतते रहे, मगर आप व्यवसायिक दृष्टि से कह रहे हैं, एजुकेशन दृष्टि से कह रहे हैं आप, और हेल्थ सेक्टर से भी आप कह रहे हैं कि आप बहुत पिछड़े हुए हैं, मगर आपको लगता है कि जनता किस आधार पर आपको स्वीकार करे? आपको लगता है कि आपकी कभी इस समाज के साथ कोई कनेक्टिविटी रही हो, आपने लोगों के लिए कभी कोई ऐसा स्ट्रगल किया हो जिसके आधार पर ये कह सकें कि आप भी लोगों के बीच में जाएंगे, लोग आपकी नब्ज को समझ सकेंगे, आप भी लोगों के साथ आगे बढ़ पाएंगे? मैं हमेशा लोगों के बीच ही रहा हूँ, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम था, कोई कार्यक्रम था, मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूँ। और वैसे ही हम यहाँ के लोकल हैं और किसानी से जुड़े हैं तो सब लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ और लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, इसलिए उन्होंने इस बात को मेरे को बोला है भी आप इस बात पे आओ और ये अपना नामांकन करो और हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप किससे कड़ा मुकाबला मानते हैं आप? आपको लगता है कि आपकी साथ किसका मुकाबला आप देखते हैं ऐसी स्थिति के? देखो मुकाबला हम किसी से नहीं मानते, मुकाबला जनता जो होती है वही होती है सब कुछ, जनता जो चाहेगी वही होगा। मुकाबला आज जिसको जनता वोट देगी वही मजबूत है, मुकाबला किसका माने, आज जनता हमें लगता है हमारे साथ है, हमें कोई मुकाबला नहीं दिख रहा। ठीक है सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ें और आई होप सो दैट कि आप विधायक बने और आपसे मैं दोबारा मिलूं और आपकी जो इच्छाएं वो पूरी हो सके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी अपील है हमारे यहाँ के लोगों की, सबसे मेरी हाथ जोड़ के
भी एक बार ये ढाई साल का टाइम है, आप मेरे को मौका दीजिए और मैं आपके कोई भी चीज़ के, आपके कोई भी सोच को, कोई भी सपने को, कोई भी बात को पूरा करने की कोशिश करूँगा हर संभव। ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू। हमारे साथ निर्दलीय भी आज जिन्होंने अपना नामांकन उम्मीदवार के तौर पर भरा है, संतलाल जी चपोला जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। खैर, ये वक्त तय करेगा और ये यहाँ की आवाम तय करेगी आखिर वो एलनाबाद का जो एक इस तरीके से जो ताज है वो किसके सर पर रखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब ऐसी स्थिति में चुनाव हो रहा हो। हरियाणा की एकमात्र ऐसी सीट है जहां का उपचुनाव बेहद रोचक मोड में हो गया है और अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है क्योंकि जितने भी नॉमिनेशन होने थे वो हो चुके हैं और ऐसे में संतलाल चपोला का दावा है कि वो सब पर भारी पड़ेंगे, वो लोगों के बीच में जाएंगे, अपने तमाम मुद्दों को लेकर जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मगर 30 तारीख को जब तमाम ईवीएम मशीनों के अंदर तमाम कैंडिडेट की किस्मत लॉक होगी, 2 नवंबर को जब 3 नवंबर को नतीजे आएंगे जब भी, तब पता चलेगा आखिर जनता यहाँ की किसको पसंद करती है और कौन अगले बाकी के बचे कार्यकाल में यहाँ का विधायक बन पाता है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रखिए इस उम्मीदवार के बारे में आप क्या सोचते हैं और तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए तेज हरियाणा के साथ। यहाँ पर उपचुनाव से लेकर हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। किसके साथ होगा एलनाबाद? कैमरामैन हेमट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, एलनाबाद।